हेलो एवरीवन, देखिए हम आपके लिए आज गोभी आलू टमाटर की सूखी सब्जी की रेसिपी लाए हैं। और ये देखिए, गोभी आलू टमाटर की हमने सूखी सब्जी बनाई है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। पूड़ी के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और फिर अरहर की दाल चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 300 ग्राम गोभी लिया है और 300 ग्राम लगभग हमने आलू लिए हैं। ये तीन टमाटर हैं, हरी मिर्ची है, और कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म हो गई है तो उसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। 2 बड़ी चम्मच करीब सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म हो चुका है तो उसमें जीरा डाल दिया है हमने। सब्जी बन रही है, बहुत ही अच्छी सब्जी बन रही है। देखिए, अदरक भी डाल दिए कटी हुई। कटी अदरक का स्वाद अलग रहता है सूखी सब्जी में। और ये 2 मिर्ची हरी काट के डाल देंगे। आपको हमारी गोभी आलू की सब्जी की रेसिपी जरूर पसंद आई है। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ये देखिए, 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है और 1.5 चम्मच धनिया डाला है। इसमें धनिया ज़्यादा डलता है सूखी सब्जी में। और ये 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और ये डेगी मिर्च है, ये 1/2 चम्मच डाल दी है। अब मसाले को हम अच्छी तरह से भून रहे हैं। ये देखिए, मसाला भुन रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल रहे हैं, देखिए, जिससे मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा। मसाला भुन रहा है, तेल छोड़ देगा। आप वेजी इंडिया चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, ये सब्जी बन रही है, बहुत ही अच्छी सब्जी बन रही है। और ये सबसे पहले हम गोभी डाल रहे हैं ना, जिससे गोभी में अच्छी तरह से मसाला मिल जाएगा। और ये हम मसाला मिला रहे हैं, चला चला के, इस तरह से घुमा के ये मसाला मिलाते जा रहे हैं। फिर ये आलू काट के रखे हैं जो हमने लिए थे 4, और ज़्यादा बड़े नहीं काटे हैं, छोटे भी नहीं हैं, मीडियम काटे हैं। ये देखिए, ये आलू भी डाल दिए, तो ये सब्जी हम चला रहे हैं। मसाला मिल जाएगा अच्छी तरह से, सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये 3 टमाटर हैं काट लिए, और इनको भी डाल दिया है हमने। अब ये आलू टमाटर गोभी की सूखी सब्जी बन रही है। ये देखिए, ये हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब हम सब्जी में अच्छी तरह से नमक को मिलाएंगे, जिससे कि सब्जी अच्छी बन जाए और नमक अच्छी तरह से सभी में मिल जाएगा, इसलिए हम चलाते जा रहे हैं। और अब हमने 5 मिनट के लिए पहले हम ढक के रखेंगे इसको केवल। ये देखिए, 5 मिनट के लिए हमने ढक के रख दिया है, पक रही है सब्जी, और जो फ्लेम है वो मीडियम है। 5 मिनट हो चुके हैं तो हम सब्जी को अब चला रहे हैं, जिससे देख रहे हैं ऊपर नीचे एक सी कर रहे हैं। सूखी सब्जी बन रही है तो ये चलाना जरूरी है बीच में थोड़ा। अब हम 5 मिनट के लिए इस तरह से हमने चला लिया, 5 मिनट के लिए और ढक के रखेंगे अभी। अभी देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और सब्जी को हम देख रहे हैं कि सब्जी बनी अभी कि थोड़ा और समय लगेगा। हरा धनिया डाल रहे हैं, फ्रेश हरा धनिया हमने डाल दिया है। सब्जी देखिए कितनी अच्छी लग रही है हरा धनिया डालने के बाद। और ये थोड़ा सा हमने गरम मसाला भी डाल दिया है। जनरली जो सब्जी हमारे यहाँ बनती है डेली में, वो सब्जी बनाइए, आप बनाइए ज़रूर, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। ये देखिए, सब्जी आप पूड़ी पराठे से खाइए, जिससे भी खाइए, है ना, बहुत अच्छी लगती है। अरहर की दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद।